आर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के कानपुर पुलिस लाइन में सोमवार देर शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब बैरक की छत गिरने से कई सिपाही मलबे में दब गए। वही मलबे में दबे सिपाहियों को आनन फानन में निकाल कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहाँ इलाज के दौरान एक सिपाही ने दम तोड़ दिया। वहीं तीन सिपाहियों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना पाते ही मौके पर कई अधिकारी और कई थानों की पुलिस वहां पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई है। यहां आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से हो रही बरसात में छत से पानी टपकने को अनदेखा करना पुलिस कर्मियों को उस वक्त भारी पड़ गया जब सोमवार रात पुलिस लाइन में सिपाही खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी बैरक की छत ढह गई। घायलों में राकेश पुत्र राम भरोसे निवासी थाना अछलदा जनपद औरैया, अमृतलाल पुत्र मंगल प्रसाद निवासी थाना सैनी जनपद कौशाम्बी, मनीष पुत्र प्रभुदयाल निवासी थाना अजीतमल जनपद औरैया शामिल हैं। सिपाही अरविंद सिंह पुत्र लालता प्रसाद जनपद मैनपुरी गांव लालपुर थाना बेवर की मौत हुई है। कैमरामैन शिवम चौरसिया के साथ श्रवण गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे जैसे विशेष हैं, हमारे यहाँ हम उसके जिसको ऑपरेशन करते हैं, अपना जो मलबा है उसको भी करते हैं, हम उसको हटा रहे हैं। प्रारंभिक दौर में जैसे हम नहीं हटा रहे हैं, जो भी रास्ते में है।